हेलो गाइस, वेलकम बैक स्टडी बिट इन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर अगेन हम लोग आज पढ़ेंगे संस्कृत का चैप्टर कणवीर कथा, जो कि आप लोग का है संस्कृत का 5 चैप्टर। ठीक है, तो यह वीडियो क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो भी बच्चे 2023 में देने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संस्कृत का, जिसमें हम लोग 4 चैप्टर तक कर लिए हैं। तो जो भी बच्चे वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका लिंक आप लोग को वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, www.studybitin, तो वहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कोर्स स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और एक नोटिफिकेशन है ये कि 7 PM प्रत्येक दिन आप लोग को शाम के 7 बजे मैथ का क्लास चलता है लाइव, तो क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो ये है पहला क्वेश्चन कि कणवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। तो यह जो लिखा है वो किसने लिखा, राम प्रवेश, राम के बारे में इस पाठ में कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्या, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि भिखन टोला गांव कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, नेपाल में या बंगाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यह बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, भिखन टोला गांव किस राज्य में है, तो ये बिहार राज्य में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव से कितनी दूरी पर सरकारी विद्यालय था, जहाँ पे राम प्रवेश राम पढ़ने के लिए जाते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1 कोस दूर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाले धनहीन लोग किस गांव में रहते हैं, यानी नया टोला, भिखन टोला, जगतपुर या दरियापुर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 5 का भी, भिखन टोला गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भिखन टोला गांव से 1 कोस की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई थी, यानी मुखिया जी के द्वारा, ग्राम सेवक के द्वारा, प्रशासन के द्वारा या गाँव के एक धनी व्यक्ति के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, प्रशासन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भिखन टोला गांव के निवासी कैसे थे, धनहीन, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीवन यापन करने वाला या इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, इनमें से सभी, यानी धन विहीन थे, शिक्षा विहीन, धन विहीन मतलब जिसके पास धन हो, शिक्षा विहीन जिसके पास शिक्षा न हो, और कठिनाई से जीवन यापन करने वाला, अगर जिसके पास शिक्षा और धन है वो तो फिक्स है कि कठिनाई भरा जीवन यापन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए, यानी प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय या महाविद्यालय में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, प्राथमिक विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, शिक्षक कैसा था, दुष्ट, लोभी, नवीन दृष्टि संपन्न या मूर्ख, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, नवीन दृष्टि संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, भिखन टोला गांव देखने के लिए कौन आया, तो भिखन टोला देखने के लिए कौन आया था, शिक्षक महोदय आए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है बताइए आप लोग, तो अध्ययन, तो आप लोग का भी सबसे बड़ा काम है अध्ययन करना, यानी पढ़ाई करना, पढ़ाई कीजिए, सबसे बड़ी तपस्या वही है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती है, उद्योगी के कामचोर को, लोभी को या किसी को नहीं, तो उद्योगी क्या होता है, मेहनती होता है, तो उसी को वहन करेगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम प्रवेश गांव का क्या नाम था, तो किस गांव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भिखन टोला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि कणवीर कौन है, तो कणवीर राम प्रवेश राम था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप लोग भी कणवीर बनिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और अभी से 10th से ही मेहनत कीजिए आगे वाले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, कणवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, यानी सिविल सेवा परीक्षा पास किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, बालक राम प्रवेश किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 16 का ए, शिक्षक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी है, यानी राम प्रवेश की, राम नरेश की, राम भरोस की, किसी की नहीं, तो सिविल सेवा कौन परीक्षा पास किया था? राम प्रवेश किया था। तो सब अगर एक गांव में अगर मान लीजिए आप यूपीएससी क्रैक करके आते हैं तो आपके गांव में सब जय जयकार करेगा आपको, तो उसी तरह से राम प्रवेश, राम के गांव में सब उसी का नाम लेता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है कर्म करने की, अकर्म करने की, आलसी बनने की या भाषण देने की? तो कर्मवीर कथा किस लिए पढ़ते हैं हम लोग? कर्म करने की शिक्षा दी जाती है ताकि सभी बच्चे कर्म करें, यानी अध्ययन करें मेहनत से और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे? तो इसकी नौकरी कहाँ लग गई? तो इसका राइट आंसर भी केंद्र प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, राम प्रवेश का घर किस तरह का था? तो काफ़ी गरीब था, तो इसका घर कुटी, सामान्य घर, राजमहल या केवल ईंट का घर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, कुटी, यानी छोटा घर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा, अलस्य कथा, व्याघ्र पथि का कथा या विश्व शांति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, हम लोग कर्मवीर कथा के बारे में पढ़ रहे हैं तो कर्मवीर कथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी यह युक्ति किस पाठ से संकलित है, यानी किस पाठ से लिया गया है? तो ये कर्मवीर कथा से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, कर्णवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसके परिवार में कुल संख्या कितने थे? 4 लोग थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग 5 चैप्टर भी संस्कृत का कंप्लीट कर लिए, कर्णवीर कथा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, तब तक आप लोग इतना प्रिपरेशन कीजिए और मैथ का क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा, काफ़ी इंटरेक्टिव सवाल सब सर बताते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ओके, बाय बाय।